दिनों शहर में आई फ्लू के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। बेस अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीज आई फ्लू के ही पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन 200 से 250 मरीजों की ओपीडी बेस अस्पताल में है, तो वहीं 40 से 45 मरीजों की ओपीडी सुशीला तिवारी अस्पताल में हो रही है। बेस अस्पताल में तैनात नेत्र चिकित्सक डॉक्टर विजय जोशी ने बताया कि कई मरीज ऐसे भी आ रहे हैं जो आंखों में बकरी का दूध, माँ का दूध सहित चाय पत्ती के पानी की गर्म सिकाई के साथ आंखों में बर्फ की सिकाई कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। ऐसे उपाय और टोटके करने से आंखों की गंभीर बीमारी होना स्वाभाविक है। यहाँ तक कि आंखों की रोशनी भी जा सकती है। लोग बिना डॉक्टरी सलाह के मेडिकल स्टोर से दवा ले रहे हैं। जरूरी नहीं कि आंखों में आई फ्लू ही हो सकता है मरीज की आंखों की अन्य समस्या हो, जैसे मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद या ग्लूकोमा। खुद डॉक्टर बनने के कारण आंख का संक्रमण सही होने के बजाय बढ़ भी सकता है, जिसके चलते दिक्कत और बढ़ सकती है। इसके अलावा बारिश के गंदे पानी में नहाने या फिर लंबे समय तक पसीने में काम करने की वजह से आंखों में इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर धूल, मिट्टी या गंदगी की वजह से आंखों में एलर्जी होती है, जिसके कारण आई फ्लू जैसी बीमारियां फैलती हैं। यह बरसात के मौसम में ज्यादा होता है, क्योंकि इस मौसम में नमी, जल जमाव और गंदगी ज्यादा देखने को मिलती है और वातावरण में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आंखों के सफेद भाग कंजंक्टिवा में सूजन आ जाती है और आंखें लाल हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप किसी आई फ्लू से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो भी आप में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए आपको बार बार आंखों को छूने से और किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना चाहिए। आइए अब आपको ले चलते हैं सीधे डॉक्टर के पास और सुनिए उनकी पूरी बात, ताकि आप जान सके अपनी और अपनों की आंखों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। कल जैसे मौसम में नमी एवं आर्द्रता बनी हुई है, इसकी वजह से मौसम में जो बैक्टीरिया एवं वायरस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आंख में भी इनका संक्रमण हो रहा है। आंख में जो झिल्ली होती है, पारदर्शी झिल्ली जिसे कंजक्टाइवा कहते हैं, उसमें बैक्टीरिया एवं वायरसेस के संक्रमण की वजह से कंजक्टाइवा यानी आम भाषा में कहने वाली बीमारी जो आई फ्लू है, वो बहुतायत में दिख रही है। हमारे बेस हॉस्पिटल में यकायक बीमारी के मरीज बहुत जो आ रहे हैं, जो कि प्रशंसनीय है, क्योंकि वो आसपास में इधर उधर क्वैक्स के पास नहीं जाके एक आई सर्जन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जो कि हमारी आई की ओपीडी 100 से 150 होती थी, आजकल हमारी आई की ओपीडी 200 से 250 पहुंच गई है, जिसमें से करीब 30 से 40% मरीज आई फ्लू की ही है। जैसे कि मैंने बताया कि अपने जितने भी कपड़े हैं और जो रुमाल है जिसमें कि आँख का द्रव कीचड़ रखता है, उसको अलग रखना है। आँखों में हाथ, तौलिया, कपड़ा नहीं लगाना है, क्योंकि बार बार मलने से आँख में जख्म हो सकते हैं और आँख में काला चश्मा लगा के रख सकते हैं। अगर जो छोटे बच्चे हैं, चूँकि वो ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, तो उनको घर में अगर रह के वो दवाई डालेंगे तो जल्दी भी सही हो सकते हैं और बाकी बच्चे भी संक्रमण से बच सकते हैं। ज़्यादातर जैसे कि हम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हॉस्पिटल्स हैं, इन जगहों पर अगर हमारा कोई इंपॉर्टेंट काम है तो ना जाएं अवॉइड, क्योंकि वहाँ संक्रमित व्यक्ति काफ़ी लोगों को बीमारी फैला सकता है। मैं चाहूँगा कि जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले लोग आज से यहाँ से जो मान लिया जाए लाल कुआं तक भी लोग बैलगाड़ी से जाते थे, और आज अपनी लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे। ये जो आपने जितने भी पुरातत्व जो ट्रीटमेंट बताए हैं उसके बताए हैं, वो जब था कि जब आम मानस तक जो बिल्कुल आधुनिक जो ट्रीटमेंट मौजूद नहीं था, परंतु आज के युग में हम लोग जो आधुनिक ट्रीटमेंट से अगर चीज़ों को करें, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही है, तो मैं कहता हूँ कि इस तरीके के जो नुस्खे हैं, जो कभी बताए जिस तरीके से आपने बताया, आँख में गुनगुना पानी डाल लेते हैं, चाय पत्ती का पानी, कोई बकरी का दूध डाला है ना, और कोई माँ का दूध डाला है, ये बिल्कुल इससे इन्फेक्शन और बढ़ जाता है, जिससे कि बाद में आँख में परेशानी और बढ़ जाती है, कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, मरीज के आँख में जो ट्रीटमेंट में जो ड्यूरेशन है उसका सही होने का वो भी बढ़ जाता है, तथा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं सर, जिसमें कि जो हमारे जो मरीज हैं वो आमतौर पर हफ्ते भर से 14 दिन में मरीज सही हो जाता है, जिसमें से हम मरीज को अगर बच्चा होता है तो घर में दवाई डालने के लिए भी कहते हैं। जैसे कि आपने बताया कि ज़्यादातर दवाइयाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, जो नहीं दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो मरीज जन औषधि केंद्र से ले सकते हैं। इसमें अमूमन तौर पर जो आँख का लालीपन हो जाता है, जिसके कि हम पिंक आई भी कहते हैं, लालीपन आती है शुरुआत में, जो कंजक्टिवा जो हमारी झिल्ली इन्फेक्ट होती है, लालीपन आती है, पानी निकलता है, मरीज को आंखों में सूजन आ सकती है, तथा मरीज को पानी ज़्यादा आने की वजह से ब्लरिंग हो सकती है। अगर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो गए, यानी कि जो उसको रेड साइन कहते हैं, जिसमें कि उसको तुरंत डॉक्टर को मिलना ही मिलना है, दवाई भी डल रही है तब भी, तो क्या ना कहते हैं कि उसको उसकी नज़र में कमी आ जाएगी, या फिर उसको जो लाइट है उससे उसको चकाचौंध लगने लगेगी,
मेरा आपके द्वारा सभी जो मरीज हैं या फिर जनता से यही अपील है कि इसमें स्वयं इलाज ना करें, क्योंकि केमिस्ट और वो जो डायरेक्ट ओटीसी में इसमें स्टेरॉइड्स की दवाइयां भी दी जाती हैं, स्टेरॉइड से आंखों में परेशानियां हो सकती हैं, ग्लूकोमा तथा मोतियाबिंद बन सकता है, इसलिए इस तरीके की दवाइयाँ ना लें बिना डॉक्टर से पूछे। तथा मैं भी कहना चाहता हूँ कि आँख लाल जो होती है वो अन्य बीमारियाँ जैसे काला मोतियाबिंद आयराइटिस में भी हो सकती है, तो मैं नहीं चाहता कि मरीज को लग रहा है कि आंख लाल हो रही है और उसको इस तरीके की बीमारियां जो अन्य बीमारियां भी होती हैं आंख लाल में, वो सेल्फ मेडिकेट करके करे और ये तरीके की बीमारियां छूट जाएं तथा उसको आंखों में रोशनी में कोई दिक्कत आई तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। अभी हमने कुछ समय पहले ही जो कोविड का देखा था एपिडेमिक, कोविड में जिस तरीके के हम रह रहे थे वो भी एक वायरल डिजीज थी, ये भी इसमें वायरल डिजीज ही है, तो जिस तरीके के हमने उसमें रखा था कि अपने जो कपड़े हैं हाथ तौलिए कपड़े सैनिटाइज करके रखने हैं, जो कपड़े हैं टावल्स हैं जिससे कि दूषित हो सकती है मरीज, तो उसको आपको अलग रखना है, क्योंकि जैसे तरह हम मरीज देखते हैं कि मरीज को लगता है कि हम आँख में आँख डाल के बीमारी फैलती है, ये ऐसा नहीं है, वरना तो हम आज तक मतलब 2-3 हज़ार मरीज देख चुके होंगे, वरना हमें आज तक अभी ये बीमारी हुई नहीं है। कहने वाली बात यह है मरीज को एहतियात चश्मा इसलिए लगाना है कि उसकी आँख में हाथ ना जाए, जिससे कि आँख में जो द्रव है कीचड़ है वो दूसरी जगह छुए ना, इसलिए किया चश्मा लगाने की जरूरत है। जो ये फैलता है ये द्रव से आँख में जो पानी निकलता है एवं जो कीचड़ निकलता है उससे फैलता है, बाकी इसमें भ्रांतियाँ ऐसी कुछ नहीं है कि आँखों में देखने से फैलता है, आदमी उसको आइसोलेट कर देता है, समाज में जाने से परेशानी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो दवाई डाले तो सच जल्द से जल्द वो सही हो जाता है। पिछले करीबन 15 दिन से आई फ्लू के मरीज काफ़ी आ रहे हैं, अस्पताल में घूमते दिखते हैं, काफ़ी तीमारदार भी उनको रहता है, स्टाफ के लोगों के बीच में हो रहा है जा रहा है, और जो HOD ऑफ्थाल्मिक से बताया कि उनकी OPD में करीबन 40 से 50 मरीज पर डे आई फ्लू के ही आ रहे हैं, और मोस्ट लाइकली वो कहते हैं ये वायरल ओरिजिन की है, इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है, लेकिन अभी तक किसी की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस की शिकायत नहीं आई, वरना किसी किसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, अभी तक ऐसी शिकायत तो नहीं आई है। ये है इसमें मरीज ज़्यादा शुरुआत करते हैं कि हेडेक बोलते हैं, उसके बाद आँखों से पानी डिस्चार्ज होना, खुजली होना, और फिर आँखों का उसमें एकदम से रेडनेस आना हो या किसी किसी में डिस्चार्ज भी आता है वो है, और इसके लक्षण सेल्फ लिमिटिंग होती है, 3-4 दिन रहते हैं, करीबन हफ्ते भर में पूरा ये अपने आप ठीक है, और इसमें है कि अगर होता है तो उसको आइसोलेशन में रहना चाहिए, लोगों से कम संपर्क में रहे, और जो उसकी जो चीज़ें हैं कि इन्फेक्टिविटी बहुत हाई होती है तो और लोग अपना बचाव करना चाहिए, कोई भी चीज़ों से उनकी जो इस्तेमाल करें वो इस्तेमाल ना करें, और काला चश्मा तो पहनेंगे ही वो है ताकि, और दूसरा है कि कोई ऐसे चलते हैं वो हैं तो उसमें दरवाजों के हैंडल पर उनको या रेलिंग्स पर या इन चीज़ों पर हाथ ना रखें ताकि उनसे क्रॉस इन्फेक्टिव आती है, और तीसरी चीज़ जो लोग वैसे भी हैं उनको बार बार अपना साबुन से हाथ धोना चाहिए या सैनिटाइजर इस्तेमाल कर जो भी करें, कि जितनी बार हाथ धोंगे अगर उसमें कुछ शेडिंग हुई भी उनको लगता है तो, और आँख अपने कॉन्टेक्ट हाथों की कम से कम रखें अपने।